बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उसकी आंखें भीगी थी, उसका दिल रो रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा मुरझाए हुए पत्ते की तरह जर्द आवर, जज्बात की तरह आदि था। आज फिर नवीद ने उसका दिल दुखाया था, उसके प्यार को ठोकर मारकर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोलकर देख सकता कि वो नवीद से किस कदर टूटकर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की जरा बराबर परवाह न करते हुए वो ये कहकर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अर्शी, जिसके दिल में नवीद के लिए बेलूस मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था, खामोशी की तस्वीर बनी खड़ी रही। उसकी ज़ुबान से एक जुमला भी अदा ना हो सका। हाँ, अलबत्ता उसकी आंखों से आंसू ज़रूर बरसे, जो चीख चीख कर नवीद की बेवफाई पर बैन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवीद के साथ अपना खुशगवार बचपन बताया था, वो अर्शी जिसे बचपन से ही नवीद के नाम से मंसूब कर दिया था, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवीद की यादों से सजाया था, जिसके जिस्म में नवीद के नाम की सांसें चलती थी, जिसकी आंखों में नवीद था, आखिर कैसे कैसे वो भुला देती वो उस नवीद को जो खुद से भी ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के अहदो पमान किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र से नहीं देखा था और हमेशा ये वालहाना मोहब्बत भरी नज़र पाकिस्की के पानी में धोकर वजूद पर डालता था। वो इस कदर बदल क्यों गया? इतना बेपरवाह, बेताल्लुक और इतना बेवफा कैसे हो गया? जो भी था, अर्शी का दिल टूट गया था, किरची किरची हो गया था। पहले तो वो नवीद की बातों को मजाक समझी, लेकिन जब नवीद ने उससे ये कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चौंके बगैर ना रह सकी। और जब उसने नवीद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो उसने अपनी नज़रें ही झुका दी। अर्शी और नवीद दोनों कज़न थे, पहले गांव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवीद ने इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। उनका प्यार मिसाली था, सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के दोनों जीवन साथी भी बनने वाले हैं। एक माह पहले नवीद अपने आबाई गांव अपने एक दोस्त से मिलने गया। वहां से वापस आने के बाद नवीद कुछ उखड़ा उखड़ा और परेशान सा रहने लगा था। उसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। वो नवीद जो यूनिवर्सिटी का शोहो चंचल और नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा बुझा सा रहता था। ये बात यूनिवर्सिटी के अलावा उसके घर वालों में भी महसूस की, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहता सिवाय इसके कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने उसे मजीद खरीदना छोड़ दिया, लेकिन अर्शी उसे उसकी परेशानी में तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवीद से हर वक्त पूछती, नवीद मुझे तो बताओ आखिर बात क्या है, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? और नवीद उससे बेजार होकर उसे दूर चला जाता, जैसे उसे पीछा छुड़ाना चाहता हो। अर्शी उसकी बेरुखी बर्दाश्त ना कर पाती। वो हर वक्त साए की तरह नवीद के साथ रहने लगी और उससे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। एक बात जो उसने खास तौर पर महसूस की थी कि जब भी वो नवीद के करीब होती, कोई अनदेखी हस्ती उसे नुकसान पहुंचाने के दर पे होती, लेकिन किसी वजह से कुछ ना कुछ कर पाती। उसे वाजे तौर पे महसूस होता जैसे कोई उसे खूनहार अंदाज से घूर रहा हो। नवीद वाकई अर्शी से दूर रहना चाहता था। जब भी अर्शी उसके साथ होती, एक अनजाना सा खौफ उस पर तारी रहता, जैसे अभी कोई होनहार जानवर आकर उसे चीर फाड़ कर रख देगा। आज इतवार का दिन था, अर्शी अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसे नवीद की परेशानी और बेरुही का सिरा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परेशानी से करवटें बदल रही थी। सारा दिन उसने यही सोचने में गुजार दिया कि नवीद की परेशानी कैसे दूर करे। शाम के करीब उसके दरवाजे पे दस्तक हुई और उसकी वालिदा परेशानी के आलम में अंदर आई। आए अम्मी, क्या बात है?
हैरियत, अर्शी ने उनकी परेशानी देखते हुए पूछा। वो बेटा, उसकी अम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे करें। क्या बात है अम्मी, अर्शी ने फिर पूछा। बेटा वो नवीद, क्या हुआ नवीद को, बताएं ना, अर्शी ने बेकरारी से पूछा। नहीं बेटा कुछ भी नहीं, वो ठीक है। लेकिन लेकिन क्या अम्मी? बेटा अभी अभी नवीद की अम्मी का फोन आया था, नवीद ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी भिजवा दी है। क्या, मंगनी तोड़ दी? अर्शी ने हैरान होते हुए दोहराया। उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। बेटा सब्र करो, उसकी वालिदा ने उसके सर का बोसा लिया और रोते हुए बाहर चली गई। अर्शी साकित सी हो गई। बीते दिनों के खुशगवार वाकयात और लम्हात जो नवीद के साथ उसने गुजारे थे उसकी आंखों में घूम गए। नवीद के लिए वो अपने खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती थी, जिसकी छोटी सी परेशानी से वो दिल बर्दाश्ता होकर आंसू भिगो देती थी। उसने अपने जिस्म पर पड़ी किताब खोली जिसमें ऊपर ही नवीद की तस्वीर पड़ी थी। उसने तस्वीर अपनी नज़रों के सामने पकड़ी और नम आलूदा आंखों से उसे घूरने लगी। वो तस्वीर फाड़ने ही लगी थी कि अचानक उसके ज़मीर से आवाज़ आई। तस्वीर तो फाड़ दोगी, लेकिन इस दिल का क्या करोगी? क्या दिल से नवीद को निकाल पाओगी? उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर तस्वीर को किताब में रखकर पर्स उठाया, जूते पहने और बाहर निकल गई। वो जानती थी कि रात को नवीद किस पार्क में जाता है। पार्क में जाकर नवीद को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। नवीद एक कोने में सर झुकाए बैठा था। वो चलती हुई नवीद के पास आई। जो ही नवीद ने उसकी तरफ देखा, एक जोरदार थप्पड़ उसने उसके मुंह पे मारा। यू चीटर, तुमने मंगनी तोड़ दी और बेफिक्र हो गए, मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी ना तुमने। अब बताओ उस प्यार का मुझे हिसाब कौन देगा जो कि मैंने तुमसे किया? मैं कैसे भुलाऊंगी तुम्हें, तुम्हारा झूठा प्यार? बोलो, जवाब दो, मैं कैसे भुलाऊंगी तुम्हें? अर्शी फूट फूट कर रोने लगी। नवीद खड़ा हो गया, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बोझिल कदमों के साथ अर्शी के पास आया। मुझे भूल जाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए, यही कहते हुए उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था। वो खामोशी से सर झुकाकर एक तरफ चल दिया, जबकि अर्शी वहीं बैठकर भीगी आंखों से उसे जाता देखती रही। सुना है प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत एक ही पहलू के चार नाम हैं, लेकिन इश्क उससे कद्दन मुख्तलिफ है। मोहब्बत में जिस्म पिघलता है, दिल रोता है, लेकिन इश्क में रूह जलती है। और अर्शी की कैफियत भी यही थी। उसकी आत्मा सुलग रही थी क्योंकि उसे नवीद से इश्क हो चला था। वो घर आई, सारी रात रोती रही, रात के 2 बजे तहज्जुद पढ़ी और खुदा से दुआ करती रही। आज यूनिवर्सिटी में अर्शी का दिल नहीं लग रहा था। वो 3 छुट्टियों के बाद आज आई थी। दूसरी तरफ नवीद भी खामोश और बुझा बुझा सा था। वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी रंगत जर्दी माइल हो रही थी और आंखों में वहशत के डेरे डाल लिए थे। तीसरा पीरियड खत्म हुआ, सब बाहर निकल आए। अर्शी ने एक अजीब सी नजर नवीद पर डाली, जो दुनिया और माफिया से बेहबर कागज पर पेन से अजीब सी आरी तिरछे लाइनें लगा रहा था। अर्शी बाहर निकल गई। अभी कुछ देर ही उसने लाइन में गुजारी थी कि क्लास से चीखों पुकार की आवाजें सुनकर चौंकी। अर्शी जो नवीद की कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी, उठी और क्लास रूम में जा पहुंची। वहां अब तक स्टूडेंट्स का जम गफीर जमा हो चुका था, लेकिन जो मंजर सामने था उसे देखकर हर कोई हैरान ज़दा था। क्लास में नवीद कुर्सी पर बैठा खौफो शिद्दत से कांप रहा था और बार बार एक ही बात कही जा रहा था, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। जबकि फरजीन, जो कि नवीद की क्लास फेलो थी, उसे कोई नादीदा हस्ती जमीन पर बार बार उठा रही थी और फिर गिरा रही थी। फरजीन के हाथ, पेशानी और जिस्म के कई हिस्सों से खून बह रहा था और वो बुरी तरह चीख रही थी। फिजा में किसी नादीदा हस्ती के कहकहे गूंज रहे थे। नवीद ने जब स्टूडेंट्स को दरवाजे में खड़े देखा तो दौड़ता हुआ बाहर आ गया। स्टूडेंट्स, जो कि पहले से ही खौफजदा थे, नवीद को आगे बढ़ता देखकर मुंतशिर हो गए। अर्शी ये मंजर देखने में महफ थी। नवीद के बाहर आते ही उसकी टक्कर अर्शी से हुई। दोनों की आंखें चार हुई। नवीद अर्शी को हसरत और गम से देखने लगा, जैसे उसे कह रहा हो, बस देख लो तुम अपनी आंखों से। नवीद ने वहां मजीद खड़े रहना मुनासिब ना समझा और घर चला गया। इस वाकये की तहकीकात की गई तो कोई खास वजह सामने ना आई। आफताब जो साथ ही
खिड़की में खड़ा था, उसने बताया कि क्लास में नवीद के अलावा और कोई नहीं था। फरजीन हाथ में चिप्स के पैकेट लिए क्लास में नवीद को अकेला पाकर अंदर आ गई और नवीद को पास बैठकर बातें करने लगी। हम सब ये मंजर इंतहाई दिलचस्पी से देख रहे थे, क्योंकि फरजीन है ही ऐसी लड़की, आज़ाद ख्याल कि कोई भी लड़का उससे बच नहीं सकता। दूसरी तरफ नवीद उससे बात नहीं करना चाह रहा था, वो उठा और बाहर जाने लगा तो फरजीन ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और उससे कहने लगी, क्या बात है नवीद, अब तो तुम्हारी मंगनी भी टूट गई है, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। उसका बस यही कहना था कि कोई नादीदा हस्ती उसे मारने लग गई। फरजीन का जिस्म बार बार हवा में बुलंद होता और नीचे गिरता, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि उसे मारने वाला नवीद नहीं था। नवीद तो खुद घबराया हुआ था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आफ्ताब इतना कह के खामोश हो गया, लेकिन अर्शी किसी गहरी सोच में डूब गई। इस वाक्य के बाद लोग नवीद से खौफ खाने लगे, उससे दूर रहने लगे, जबकि नवीद बेचारा बेबसी और हैरतों यास की तस्वीर बन गया। वो खामोशी से सर झुकाए आता और खामोशी से चला जाता। दूसरी तरफ अर्शी थी, जो पांच वक्त नमाज में नवीद के लिए दुआएं मांगती थी। उसे मामला कुछ हद तक समझ आ गया था। वो अब नवीद को पहले से भी ज्यादा चाहने लगी थी। यही वजह थी कि मंगनी के बाद जितने भी रिश्ते आए उसने वो सभी ठुकरा दिए। घर वालों ने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया था। एक दिन वो कुछ लिख रही थी कि उसकी वालिदा आई और शफकत से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बेटा गांव से शादी का कार्ड आया है, तुम चलोगी ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी शादी पर। लेकिन शादी है कब? अर्शी ने पूछा। बेटा कल बारात है और परसों वलीमा, तुम पैकिंग कर लो, हम आज शाम को ही निकलेंगे। ठीक है बेटा, और अम्मी चली गई। अर्शी ने नादिया को कॉल करके दरहास का कह दिया। गांव बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत, सरसब्जो शादाब था। अर्शी कार की पिछली सीट पर बैठी थी, उसका दिल सुहानी यादों से उभर आया था। वो पल, वो लम्हे जो उसने नवीद के साथ यहाँ गुजारे थे, वो दोनों सारा सारा दिन गांव की कच्ची गलियों और सड़कों पर खेलते कूदते रहते थे। गांव में अब भी यही रिवाज था कि जिसके घर शादी होती वहाँ खानदान और मोहल्ले के अफराद कई दिन पहले ही बसेरा कर लेते, खूब हल्ला गुल्ला करते। यही हाल यहाँ भी था। लोगों की एक बड़ी सी तादाद वहाँ डेरा डाले हुए थी, उन्हीं में अर्शी की बचपन की दोस्त शाहिदा भी थी, जिसने जो ही अर्शी को दूर से देखा तो भागती हुई पास आई। अर्शी कैसी हो तुम? अर्शी खुश होकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वहाँ शहर जाकर तो तुम लोग भूल ही गए। अरे नहीं यार, तुम लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं। अच्छा और कुछ सुनाओ, गाँव के हालात वगैरह। शाहिदा गांव के बारे में मुखसिर बताने लगी। अच्छा ये तो बताओ, वो तुम्हारा आशिक कैसा है? शाहिदा ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन? अरे भाई वही तुम्हारा मंगेतर, और कौन। अच्छा वो, हाँ वो ठीक है, अर्शी ने झिझकते हुए कहा। क्या ठीक है? ठीक है ना, अर्शी बोली। कोई और बात करो, अर्शी ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे ये क्या, पहले तो उसका नाम लेते ही तुम खुश हो जाती थी और उसकी बातें किए बगैर तुम रहती नहीं थी, तो अब क्या हुआ, आखिर क्या बात है? अर्शी बोली, कोई बात नहीं शाहिदा, प्लीज़ तुम कोई और बात करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर नवीद है बड़ा अजीब इंसान। अजीब इंसान, लेकिन कैसे? देखो ना, उस दिन फराज से मिलने उसके घर आया, सारा दिन गांव की सैर की और रात को किसी को बिना बताए वो पुराने कुएं पर जा पहुंचा और सुबह फराज से बिना मिले ही वापस चला गया। पुराने कुएं पे गया? ये तुम क्या कह रही हो शाहिदा, किसी ने उसे रोका नहीं? अर्शी ने हैरान होकर उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया। अरे भाई तुम भी कैसी अजीब बातें करती हो, नवीद यहाँ का बासी है, उसे पता है पुराने कुएं का कि उस पर आसेब है, और भला रात के 2 बजे कौन जानता था कि कुएं पर जाएगा। रात के 2 बजे? वो कोई और भी तो हो सकता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो नवीद ही था? अर्शी बोली, यकीन तो हमें भी नहीं था, लेकिन सुबह फराज ने कुएं के पास नवीद का शनाख्ती कार्ड पड़ा देखा और फौरन शहर उसकी खैर खबर के लिए लापता किया, तो नवीद ने खुद करार किया कि वो रात को कुएं पर गया था। अच्छा अब तुम तो जानती हो अर्शी के रात को पुराने कुएं के पास कुत्ते भी नहीं जाते, क्योंकि वहां जिन भूत घूमते रहते हैं, तो नवीद हकीकत जानते हुए भी। अभी शाहिदा बोल रही थी कि उसकी वालदा ने आवाज दी, शाहिदा इधर आना जरा।
मैं अभी आती हूँ, शाहिदा कहकर चली गई। अर्शी सोच में पड़ गई। अच्छा तो ये मसला है, अर्शी ने खुद से कहा और काम कर रह गई, क्योंकि पुराने कुएं का ख्याल आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुराना कुआं गांव के एक तरफ वाके था, जिसके किनारे पर एक पुराना बरगद का दरख्त था। हिंदू के ज़माने में यहां आकर औरतें पूजा पाठ करती थी और अपने हीरे जवाहरात कुएं के अमीर गहराई में फेंक देती थी। वो दरख्त को अपना भगवान मानते थे और शुक्राने के तौर पर अपने जवाहरात कुएं में फेंक देते थे। जब यहाँ मुसलमान आए तो उन्होंने यहाँ कुएं की गहराई में से सोना तलाश किया। हैरत अंगेज तौर पर उन्हें यहाँ सोने की कोई भी चीज़ ना मिली। कुएं को ख़त्म करके यहाँ आबादी करने के बारे में सोचा गया। इस मकसद के लिए ज़मींदार ने पहले बरगद का दरख्त काटने के लिए मजदूर बुलाए, पर जैसे ही आरा दरख्त के तने पे चलता वहाँ से खून निकल आता, जिसे देखकर मजदूर डर गए और काम करने से इनकार कर दिया। कुएं को बंद करने के लिए उसे मट्टी से भर दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन कुएं में मट्टी की बजाय वहाँ जहरीले कीड़े भरने लगे, जो कि आनन फानन रिंगते हुए करीबी आबादी में घुस गए। हर घर में इतनी बीमारियां फैलाई कि एक दिन लोग मरने लगे। ये सूरत हाल देखकर जमींदार ने कुएं और दरख्त को ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद उस जगह को पुर इसरार आसेब जदा जगह समझा जाने लगा। वहां रात को कोई भी कहीं भी नहीं जाता था। गांव का कोई भी कुत्ता अगर कुएं के करीब सोता तो वो सुबह को मुर्दा हालत में पाया जाता, इसलिए कुएं की दहशत काफी बढ़ गई थी। वहां से अक्सर औरतों के हंसने की आवाजें आती, गर्ज वो जगह भारी समझी जाती। लोगों ने शाम के बाद वहां जाना भी तर्क कर दिया था। न जाने किन वजूहात पर नवीद रात 2 बजे वहां अकेला चला गया। कुएं से सब खौफ खाते थे सिवाय माई बख्तों के, जो कि उस कुएं से 20 गज दूर रहती थी और कुएं की तरफ ही देखती रहती थी। जब कोई उनके और कुएं के दरमियान आता तो उसे वहां से हटाकर फिर दोबारा से कुएं को देखना शुरू कर देती। माई बख्तो गांव की गली में सफ़ेद चादर बिछा के बैठी होती। एक जाय नमाज, एक तस्बीह उनकी कुल कायनात थी। लोग खुदा तरसी करके माई बख्तों को खाना दे दिया करते थे। माई बख्तों के गिर्द हर वक्त लोगों का हजूम ही रहता था। खुदा ने उनके हाथों में इतनी शिफा दे रखी थी कि वो जिसको भी दुआ देती वो खुशहाल हो जाता और हर तरह की तंगी बीमारी दूर हो जाती। अर्शी माई बख्तों की दिल से इज्जत करती थी। अर्शी ने जब होश संभाला तो माई बख्तों की वहीं अपनी महसूस जगह पे उसने देखा। माई बख्तों दुबली पतली उधेर उम्र औरत थी। उनके चेहरे से हमेशा नूर टपकता था। वो सारा सारा दिन हाथ में तस्बीह लिए कुएं को घूरते रहती। अगर उसके सामने कोई आके खड़ा हो जाता तो वो उसे हाथ के इशारे से सामने से हटाती और दोबारा कुएं पर नजर गाड़ लेती। लोगों को यकीन हो चुका था कि माई बख्तों का कुएं से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, कि वो रात को भी वहां जाने से नहीं घबराती। आज अर्शी ने वापस शहर जाना था। जब गाड़ी माई बख्तों के ठिकाने के सामने से गुजरने लगी तो अर्शी ने फौरन गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी और माई बख्तों के पास जाकर दुजानू बैठ गई। उसने माई बख्तों के घुटनों को पकड़ा। माई बख्तों, जो कि अर्शी की आमद से कतई बेखबर कुएं को देखने में मसरूफ थी, तस्बीह के दाने जल्दी से फेरने लगी। अम्मा मेरी मदद करो, खुदा के लिए, मेरा नवीद, बस, माई बख्तों की गिरजदार आवाज हवा में गूंजी। उनके हाथ रुक गए। उसने आंखों का जाविया बदला और अर्शी की आंखों को बगौर देखते हुए कहा, तेरी आंखों में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, बल्कि इश्क की आग है। वो तुझसे तेरा इश्क नहीं छीन सकती। खुदा तेरी मदद करेगा और सुन, हार कभी मत मानना, जा, मेरी दुआ तेरे साथ है। माई बख्तों ने अर्शी के सर पर हाथ फेरा और दोबारा कुएं पर नजर गाड़ कर अर्शी से ला ताल्लुक हो गई। अर्शी ने भीगी आंखों पोंछी और गाड़ी में आकर बैठ गई, जहां उसके वालिदैन उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। गांव से आए उन्हें 5 दिन हो गए थे कि अर्शी, उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया था। वो यूनिवर्सिटी सिर्फ नवीद को देखने जाती। नवीद ने खुद भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो शाजो नादर ही यूनिवर्सिटी में नजर आता। अर्शी ने कुछ ही दिनों के बाद यूनिवर्सिटी तर्क कर दी। वो सारा सारा दिन कमरे में घुसकर खुदा से इल्तजाएं दुआएं करती रहती। उसके कमरे में जरूरत की अशिया, जाय नमाज और तस्बीह जरूर मौजूद रहती। अर्शी ने टीवी, वीसीआर, टेप कमरे से निकाल के बाहर किए और कमरा बिल्कुल सादगी के साथ सजाया। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नवीद को हासिल करना था।
उसकी सच्ची मोहब्बत और मेहनत रंग लाई और ऊपर वाले को उसकी इबादत और उसका बेलूस इश्क पसंद आया और उसे ताकीदी ख्वाब नजर आने लगे जिसमें उसे बाकायदा सबक पढ़ाया जाने लगा। वो सोते में जो सबक पढ़ती वो सुबह उठकर कुरान पाक से बामानी याद कर लेती। इस तरह करते करते उसने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। उसे इस दुनिया की कोई खबर ना थी, अगर कोई खबर थी तो वो थी बस नवीद की। उसे नवीद की परेशानी का इल्म हो चुका था और वो ऐसी परेशानी को दूर करने का सदेबाप कर रही थी। अर्शी को इस मकसद से बाज रखने के लिए अनदेखी ताकतों ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की। अर्शी एक मजबूत चट्टान बन चुकी थी। उसके सीने में कुरान मुनव्वर था। उसकी रोशनी के आगे कोई भी जाहिरी और गैबी ताकत टिक नहीं सकती। और दूसरी वजह माई बख्तों की दुआ थी जिसके तवील वो हमेशा साबित कदम रही। अर्शी की हालत देखकर वाकई ही इश्क की सच्चाई का यकीन हो जाता है। वो अर्शी जिसने दुनिया छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी, अपनों को छोड़ा और बस अपने रब से लो लगाई और अपनी ख्वाहिश के पूरा होने की दुआ करने लगी। अर्शी जान चुकी थी कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से है। आज अर्शी को अपने कमरे में बंद हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता था। अर्शी का सबक ख़त्म हो चुका था और उसे नज़र आने वाले ख्वाब भी अब बंद हो चुके थे। आखिरी ख्वाब में उसने माई बख्तों को देखा जो मुस्कुरा के उसे शफकत से देख रही थी और बोल रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने सारा सबक मुकम्मल कर लिया। तुम अब इस काबिल हो चुके हो कि तुम उस चुड़ैल से मुकाबला कर सको। डरना मत, खुदा तुम्हारे साथ है और मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। अर्शी का दिल आज इतने अरसे के बाद फिर नवीद से मिलने के लिए बेताब होने लगा। वो अपने कमरे से निकली और अपनी वालिदा के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मी, आज मेरा कहीं बाहर जाने को दिल चाह रहा है, क्यों ना आंटी लोगों के घर चलें? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर, और मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम उस कोठरी से कभी बाहर निकलो। अच्छा अम्मी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। और अर्शी अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। ठीक 6 बजे वो लोग नवीद के घर पहुँचे। सब उनसे मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन अर्शी की नज़रें जिसे तलाश कर रही थी वहाँ से वो अभी नज़र ना आया। आंटी, वो नवीद कहाँ है? अर्शी ने दानस्ता पूछा। बेटा, वो अपने कमरे में है, सारा दिन वहीं कैद रहता है। हम तो बहुत परेशान हैं उसकी वजह से। जाकर उसे बुला कर लाओ, आंटी ने कहा। जी अच्छा, और अर्शी उठ खड़ी हुई। नवीद के कमरे की लाइट ऑफ थी। अर्शी ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया। हेलो नवीद, अर्शी ने उसे मुखातिब किया। जवाब में नवीद ने सर उठा के उसकी तरफ देखा। उफ मेरे खुदाया, नवीद का चेहरा इस कदर खौफनाक हो गया था कि अर्शी काम कर रह गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और वो अर्शी को कहर बरसाती नजरों से देख रहा था। तू क्यों आई है यहाँ? जा, दफा हो जा, वरना बसम कर दूंगी तुझे। नवीद की बजाय किसी औरत की गिरजदार आवाज़ फिजा में गूंजी जो बज़ाहिर नवीद के मुँह से ही निकल रही थी। मैंने खुद से झिड़झड़ी ली। कौन हो तुम? तेरी मौत। ये कहते हुए नवीद उठा और अर्शी की तरफ लिपका। उसके हाथ अजीब अंदाज में उठे और उसके चेहरे की हैबत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें, नाक और मुंह से चिंगारियां निकली। इससे पहले कि वो अर्शी के करीब पहुंचता, अर्शी के गिर्द सब्ज रंग का एक हिसार कायम हो गया जिससे टकराते ही नवीद के मुँह से दिल जोर से चीहे खारिज होने लगी। वो तकलीफ और अजियत से करा रहा था। अर्शी की जुबान से खुद ब खुद दूसरा सबक अदा होने लगा। वो जो सबक पढ़ती गई फिजा नवीद की जीहों से गूंजती रही। सब सबक पढ़कर उसने आखिर में नवीद पर थूक मारी तो नवीद को एक झटका लगा। वो साकित हो गया और बेड पर गिर गया। कमरे में ट्यूब लाइट की रोशनी फैल गई। अर्शी मोहब्बत भरी नजरों से नवीद के वजूद पर डाली। उसकी आंखें भर आई। उसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। हैरत अंगेज तौर पर नीचे सब लोग पहले की तरह एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थे, जैसे उन्हें किसी चीज की आवाज आई ना हो। अर्शी नीचे उतरी। अबू, जरा गाड़ी की चाबी चाहिए। उसकी आवाज पर सब चौंक गए। क्यों बेटा? हैरियत, अबू ने पूछा। जी अबू, हैरियत है। अबू, मेरी सहेली का फोन आया था, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ, जरूरी काम है उसको। बेटा इस वक्त? कल चले जाना। नहीं अबू, वो अभी जरूरी है, अर्शी ने जिद की। अच्छा लो, लेकिन जल्दी आ जाना। अर्शी चाबी लेकर बाहर चली गई। जबकि वो लोग दोबारा बातें करने लगे, अर्शी गाड़ी तेजी से चला रही थी, उसे फौरन वहां पहुंचना था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था इसलिए सड़कें वीरान थी और हर तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटे का राज था।
लेकिन अर्शी को जरा बराबर भी डर महसूस ना हुआ, क्योंकि लगता है कलामे इलाही का जिक्र कर रही थी। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नुमाया थे, उसे गांव पहुंचने की जल्दी थी। वो बार बार गाड़ी में लगी घड़ी पर नजर डाल देती। उसे फिक्र थी तो इस बात की कि कहीं उसे पहुंचने में देर ना हो जाए। वो गांव तकरीबन 9:30 बजे पहुंची। उसने अपनी जिंदगी की तेज तरीन ड्राइविंग की थी, लेकिन अल्लाह की मदद से वो सही सलामत गांव पहुंच गई। अभी गांव में हर तरफ गटाटुप अंधेरा था, हर तरफ वीरानी और खामोशी थी। तमाम लोग अपने अपने घरों में बिस्तरों में दुबके हुए थे। अर्शी गाड़ी से उतरी और चलती हुई माए बख्तों की महसूस जगह पर जा पहुंची, जहां उसकी सफ़ेद चादर तो मौजूद थी, लेकिन खुद माए बख्तों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अर्शी वहां बैठ गई और माए बख्तों का इंतज़ार करने लगी। उसकी नज़रें कुर्बे पर मरकूज थी। चंद लम्हों के बाद ही माए बख्तों एक तरफ से आती हुई दिखाई दी। अर्शी उठने लगी, लेकिन माए बख्तों ने उसे बैठने का इशारा किया। उसने सफ़ेद लिबास जेबतन का रखा था, जिससे मसहूरकुन खुशबू उभर रही थी। उसके चेहरे पर हद दर्जे इत्मीनान और सुकून था, और वो एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ अर्शी को देख रही थी। माए बख्तों के हाथ में वही महसूस तस्बीह थी। वो आराम से चलती हुई आई और अपनी महसूस जगह पर बैठ गई। शाबाश बेटा, तुमने पहला इम्तहान पास कर लिया, अब जाओ और उसे ख़त्म कर दो, उन्होंने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्शी कुएं के करीब जाकर जमीन पर बैठ गई। उसके और कुएं के दरमियान अब 10 कदम का फासला था, और बरगद का दरख्त अपनी जगह पे खड़ा था। रात की उस पहर ये मंजर इंतहाई मुनफरिद और खौफजदा था, लेकिन अर्शी इश्क के नशे में डूबी हुई थी। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने मुंह में कुछ पढ़ा और कुएं और दरख्त पर फूंक दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, हर तरफ मट्टी के बगोले उठने लगे, और देखते ही देखते बरगद का दरख्त और कुआं उसके इर्द गिर्द बादल की लपेट में आ गया। धुआं छटा तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी अर्शी को गजबनाक अंदाज में घूर रही थी। क्या चाहती है तुम, क्यों तंग कर रही है मुझे, उसकी गिरजदार आवाज फिजा में गूंजी, जो बिल्कुल उस आवाज जैसी थी जो अर्शी ने नवीद के मुंह से सुनी थी। नवीद की जान छोड़ दे, अर्शी ने इत्मीनान से कहा। क्यों छोड़ दूं उसे, तू है कौन, सुन लड़की गौर से, सुन ले, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, अपनी जान अजीज है तो यहाँ से चले जा, वरना तुझे बसम कर दूंगी। नवीद के लिए एक बार तो क्या 100 बार बसम होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे उसे छोड़ना होगा, अर्शी गुस्से से बोली। आग और मट्टी का कोई मुकाबला नहीं, लड़की जा चली जा, हामहा जान से जाएगी। मुकाबला आग का मट्टी से नहीं, आग का आग से है। तू सरापा आग है, तेरा खमीर आग है, जबकि मेरी रूह आग है, मेरा इश्क आग है, और इश्क की ये आग तेरे वजूद को जला देगी, तो ले मुकाबला कर, वो चुड़ैल बोली। उसने दोनों हाथ कुएं की तरफ किए, जहां से कई तीर फिजा में बुलंद हुए और पुरक रफ्तारी से अर्शी की तरफ बढ़ने लगे। अर्शी उस हमले के लिए कतन तैयार न थी, वो झुक गई, लेकिन एक तीर उसके हाथ में बेवस्त हो गया। अर्शी के मुंह से जोर की चीख निकली, दूसरी तरफ वो लड़की खड़ी होकर कहकहे लगा रही थी। अर्शी ने जख्म की परवाह न करते हुए कुछ पढ़ा और उस पर फूंका, तो उस पर गैबी हंजर बरसने लगे। उसने दोनों हाथ को अर्शी की तरफ करके झटका दिया, तो उसमें लाल रंग की शुआई निकली और अर्शी की तरफ बढ़ी, लेकिन अर्शी अभी तक संभल चुकी थी। उसने जल्दी से कुछ पढ़कर शुआओं की तरफ देखकर फूंक मारी, तो उनका रुख उस कुएं की तरफ हो गया। शुआ जैसे ही उस पर कुएं पर पड़ी, वहां राख का ढेर बन गया। उस लड़की की शक्ल एकदम तब्दील हो गई, उसके मुंह से एक दिल दोस्त चीख फिजा को चीरते हुए खारिज हुई। ये क्या किया तूने, मेरी बरसों की मेहनत यूं हाक में मिला दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो चुड़ैल गुस्से से धारी। चंद लम्हों में वहां खूबसूरत लड़की की बजाय एक करीहा सूरत बुढ़िया खड़ी थी, जिसकी रंगत कोयले की तरह जैसे काली थी। उसके सर के बाल बिखरे हुए थे, उसके नाखून कदरे लंबे और बदे हो गए थे। वो भागकर अर्शी की तरफ दौड़ी, लेकिन अर्शी के करीब पहुंचते ही उसे बिजली का करंट सा लगा, क्योंकि अर्शी के गिर्द सब्ज रंग का हिसार कायम हो गया था। अर्शी ने बुढ़िया को देखा और कुछ पढ़कर उस पर फूंक दिया। अब उस औरत के जिस्म में आग भड़क उठी थी, वो चीखती हुई इधर उधर भाग रही थी। बरगद के दरख्त में बुढ़िया की तरह आग भड़क उठी थी। अर्शी के जिस्म से काफी मकदार में खून बह चुका था, तीर अभी तक उसके हाथ में बेवस्था। माई बख्तो वहां फौरन पहुंची और तीर उसके हाथ से निकाले।
अर्शी के अब्बू के मोबाइल की घंटी बची। उन्होंने नंबर देखा तो वो सिविल हॉस्पिटल का था। उन्होंने बात शुरू की और दूसरी तरफ की बात सुनकर फौरन खड़े हो गए। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो रहे थे। उन्होंने फोन बंद किया और सबको सिविल हॉस्पिटल ले आ पहुंचे। अर्शी ऑपरेशन थिएटर में थी। उसके जिस्म में खून की कमी की वजह से 3 बोतलें चढ़ाई गई। डॉक्टर साहिब, अर्शी कैसी है? मुबारक हो, अर्शी बिल्कुल ठीक है। अर्शी का ऑपरेशन कामयाब रहा। अगर वो वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचती तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहिब, इसे यहाँ कौन लाया? एम्बुलेंस लाई, डॉक्टर ने बोला। वो हमें 9:30 पर एक नामालूम बस्ती की कॉल आई। उन्होंने हमें इस हादसे की खबर दी, तब साथ वाले गाँव जाकर इसे यहाँ लाया गया। गाँव से खबर? अर्शी के वालिद ने हैरत से पूछा। अर्शी के वालिद सोचते रह गए। दूसरी तरफ नवीद सोकर उठा तो उसे ऐसे लगा कि वो गहरी नींद से उठा हो। वो खुद को हशाश-बशाश और हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था। घर में सबको ना पाकर नवीद को तशवीश हुई। उसने अपने वालिद के नंबर पर कॉल की तो उसे सारी सूरतहाल का इल्म हो गया। वो चंद लम्हों बाद ही हॉस्पिटल पहुंच गया। अर्शी को जब होश आया तो उसकी नज़र सबसे पहले उसकी अम्मी पर पड़ी। सब अर्शी की तरफ मुतवज्जे हो गए और खुदा का शुक्र अदा करने लगे। अर्शी बेटा, तुम कल गांव क्यों गई थी और तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला हॉस्पिटल में किसने दी? अब्बू ने पूछा। माई बख्तों ने अब्बू, अर्शी ने बताया। फिर अर्शी ने मुख्तसर सा वाकया सबको सुनाया। मैं तुम्हारी सब बातों से इत्तफाक करती हूँ, अर्शी की वालदा ने कहा, पर यह माई बख्तों वाली बात हलक से नीचे नहीं उतर रही क्योंकि उन्हें फोत हुए आज 10वां दिन है। क्या? अर्शी हैरतो गम के मिले जुले जज्बात चेहरे पर सजाकर रह गई।